जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं भुवनेश, ऑल इंडिया साइकिल राइडर, फिर से आप सभी को बहुत दिनों के बाद भारतीय धरोहर से आप सभी को रूबरू करवाने के लिए लेकर आया हूँ एक खास जगह पर, जो कि राजस्थान में दौसा जिले से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नमस्कार दोस्तों, मैं भुवनेश, ऑल इंडिया साइकिल राइडर, आज फिर से आप सभी को भारतीय पुरातात्विक धरोहर से आप सभी को रूबरू करवाने के लिए मैं लेकर आया हूं आपको दौसा जिले के अंदर, जो कि राजस्थान के अंदर स्थित है। तो यहां पर मेरे पीछे आप देख रहे हो आभा नेरी की जो बावड़ी है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी बावड़ी के नाम से भी इसे जाना जाता है। मैं बात कर रहा हूँ आज चांद बावड़ी के बारे में, क्यों है ऐसा, क्या है इसके बारे में, चलिए जानते हैं। दोस्तों, चांद बावड़ी को दुनिया की सबसे बड़ी बावड़ी इसलिए कहा जाता है, आप इसको देखकर ही अनुमान लगा सकते हो, क्योंकि 3500 से भी ज्यादा यहाँ पर सीढ़ियां बनी हुई है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। और इसके अलावा इसकी जो लंबाई है वो 35 मीटर से भी अधिक है। जी हाँ दोस्तों, चारों तरफ से 35 मीटर से भी अधिक है, और देखने में कितनी रोचक है आप देख सकते हो। अभी नीचे जाना अलाउ नहीं कर रखा है दर्शकों के लिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि एक बार कोई अगर नीचे चल जाता है जिस सीढ़ी से, उस सीढ़ी से वापस नहीं आ सकता, तो ऐसा इसके बारे में तथ्य कहा गया है। लेकिन कहां तक ये सच है ये तो पता नहीं, वो ही जाने, लेकिन इसके नीचे जाना अलाउ नहीं है, सॉरी फॉर देट। इसके लिए मैं आप सभी को यहीं से ही इसका दृश्य मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, अगर बात की जाए चांद बावड़ी के निर्माण की, तो इसका निर्माण 9वीं सदी में चौहान वंश के शासक थे चांद, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। और ऐसा कहा जाता है कि आभा नेरी, जो ये जगह है आभा नेरी, इसको पहले आभा नगरी के नाम से भी जाना जाता, जो कि बहुत ही खूबसूरत हुआ करती थी उस टाइम पर। लेकिन जब से महमूद गजनबी यहाँ पर आया था भारत, उसके बाद यहाँ पर तोड़ फोड़ कर दी थी, इसकी जो आभा थी, जो उसकी सुंदरता थी, उसको नष्ट कर दिया गया था। क्योंकि यहाँ का ये इतिहास ही बहुत ही रोचक है, बहुत ही सुंदर दृश्य देखने को यहाँ पर मिलता है दर्शकों की, बहुत ही लुभावने लायक यहाँ का मनोरम बनता है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये इस तरह से सीढ़ियाँ बनी हुई है, बिल्कुल एक के नीचे एक, ऐसे इस तरह से 3500 से भी ज़्यादा सीढ़ियाँ हैं। और दोस्तों, इसकी चारों तरफ से जो चौड़ाई है वो 35 मीटर से भी अधिक मानी गई है, इसलिए इसे दुनिया की सबसे बड़ी बावड़ी के नाम से भी जाना जाता है। तात्विक पत्थर जिन पर मूर्ति कला की गई है, आप देख सकते हो, वास्तुकला का जीता जागता उदाहरण आप सभी के सामने मैं पेश कर रहा हूँ। इतनी अच्छी कारीगरी की गई है, आप देख सकते हो, उस टाइम पर 9वीं सदी की मैं बात कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, लोकेशन इतनी अच्छी है कि यहाँ पर अब तक कई बॉलीवुड मूवीज, हॉलीवुड मूवीज और जो नाटक, टेलीविज़न नाटक होते हैं, उनकी शूटिंग भी यहाँ पर की जा चुकी है। तो सच में बहुत अच्छी लोकेशन है, आप एक बार ज़रूर आइए। महमूद गजनबी भारत आया था, जब खंडित कर दिया था, बहुत ही सुंदर सुंदर हुआ करती थी उस टाइम पर ये। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये बावड़ी 100 फीट गहरी है इसके अंदर, मतलब एक बार कोई चले जाता है तो ऊपर आना बहुत ही मुश्किल होता है। और इसी के साथ इसके बारे में, एक इसके अंदर एक सुरंग भी है, गुप्त सुरंग, जो कि 40 किलोमीटर लंबी है, जो कि दौसा के अंदर, जो कि भांडरेस गांव है, वहां पर जाके खुलती है। तो यार, उस टाइम पे जो राजा महाराजा हुआ करते थे, उनके सैनिक उस सुरंग का यूज़ किया करते थे, तो ये इसकी कुछ खास बात है। और देख सकते हो आप, दोस्तों, ये हमारे देश की बहुत ही सांस्कृतिक धरोहर है, जिसे देखने के लिए देश विदेश से टूरिस्ट लोग आते हैं। आप देख सकते हो मेरे पीछे कितने सारे टूरिस्ट आए हुए हैं। तो यार, इसे हमें बचाना चाहिए, जो हमारी धरोहर है उससे हमें बचाना चाहिए, यहाँ पर गंदगी वगैरह नहीं फैलानी चाहिए। और जैसा कि आप सभी को पता है, मैं ऑल इंडिया ट्रेवल कर रहा है साइकिल से, तो टाइम निकाल कर हमने जो मोहनपुरा में आज रात्रि का विश्राम किया था, वहीं पर हमें पता चला कि यार यहीं पर पास ही में आभा नेरी की बाड़ी है, तो हम आ गए देखने के लिए, क्योंकि आप सभी को दिखाना बनता है दोस्त, क्योंकि बहुत हमारे देश की शान है यार। ये देख सकते हो क्या कुदरत का करिश्मा है, और यहाँ पर वास्तुकला का जीता जागता एक उदाहरण हमें देखने को मिलता है।
और सिड्डिया आप देख रहे हो, सिड्डिया कितनी गजब लग रही है ना, ये 3500 सिड्डिया है टोटल, 3500 सिड्डिया। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही पुराना है, 9वीं सदी का बना हुआ है। अक्षत माता का मंदिर है, वो भी मैं आप सभी को दिखाने के लिए लेकर जा रहा हूँ, तो बने रहना इस ब्लॉग में बिल्कुल भी, एंड तक पूरा ब्लॉग को देखना है आपको। और दोस्तों यार आज है ना बरसात का मौसम है, जिस वजह से मौसम भी थोड़ा चेंज हो रहा है, तो लेकिन कोई ना, फिर भी हम आपको लिए दिखाते रहेंगे। हमारे नागेश जी है भाई, नागेश भाई भाई कैसे हो आप लोग? अभी एक मंदिर और है, वो दिखाएंगे आप सभी को। और भाई ये आवानेरी जो कुंड है, इससे बाहर एक पार्क बनाया गया है, बहुत ही सुंदर पार्क है यार, तो आराम से इसमें टूरिस्ट वगैरह बैठ के आराम वगैरह रेस्ट वगैरह कर सकते हैं। देख सकते हो कितना सुंदर है पार्क, बढ़िया पेड़ पौधे लगाए गए, तो घूमने का मजा भी आता है एक अलग ही।